मशीन हंटर के एक नए एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार और कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको जो बताने वाले हैं वह आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पूरी दुनिया में पाए जाने वाले सबसे जबरदस्त और ताकतवर सांड और सबसे जबरदस्त और ताकतवर गायों के बारे में। और हम आपको यह भी बताएंगे कि इन गायों का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है और यह कौन से देश में पाई जाती है। दोस्तों इन सभी चीजों को पूरे डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर ले। नंबर एक पर आता है बेल्जियन ब्लू। यह बुल देखने में तो किसी WWE फाइटर या फिर बॉडी बिल्डर की तरह लगते हैं। इन बुल को जब आप पहले दफा देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे किसी ने इस बुल को स्टेरॉइड दिया है, तभी तो इसके मसल्स इतने जबरदस्त है। लेकिन वास्तव में यह बुल डबल मसलिंग नाम के जेनेटिक म्यूटेशन के वजह से ऐसा हुआ है। इसकी बॉडी इतनी हट्टी कट्टी है कि इसकी बॉडी के एक एक कर्ड्स को गिना जा सकता है। और बात करें इस भारी भरकम बुल के वजन की तो यह 1200 किलो से भी ज्यादा का होता है। और आपको बता दें कि इस प्रजाति की मादा में भी यही जेनेटिक्स कंडीशन होती है और यही वजह है कि प्रेगनेंसी के वक्त इन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और कई बार तो इनके बच्चे जन्म के वक्त उनमें कई खामियां पाई जाती है। लेकिन इन सभी खामियों के बावजूद भी ये प्रजाति बहुत ही अच्छे से फल फूल रही है। अगले नंबर पर आता है बाजा डेजी बुल। बाजा डेजी बुल यह काफी खतरनाक और ताकतवर बुल्स में से एक माना जाता है। बाजा रेस बुल साउथ वेस्टर्न रीजन में पाया जाता है। इनका इस्तेमाल ज्यादातर खेती करने और जंगलों में कटे हुए पेड़ों को उठाने के लिए किया जाता है। बाजा रेस बुल्स काफी स्लो होते हैं और यह बहुत ही ज्यादा सुस्त भी होते हैं और इसीलिए इन्हें फुर्तीले कामों के लिए कभी नहीं चुना जाता। बाजा रेस बुल्स तकरीबन 145 सेंटीमीटर लंबा और 1000 किलो वजन का होता है और सच कहे तो यह देखने में बिल्कुल हल्की तरह लगते है। बाजा रेस को एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के अलावा मीट प्रोसेसिंग के लिए भी उपयोग किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि बाजा रेस बुल का मीट काफी टेस्टी होता है और इसके मीट की कीमत भी बहुत ज्यादा होती है। इसे पालने वाले किसान इसे सोने के भाव से कम नहीं बेचते। अब तीसरे नंबर पर आता है ब्राह्मिन बुल। यह बुल असल में हमारे अपने देश भारत से ताल्लुकात रखते हैं, मगर साल 1854 से 1956 के बीच इन बुल्स को भारत से अमेरिका लाया गया था। आपको बता दें कि यह गाय बहुत ही वजनी होती है। एक ब्राह्मिन गाय का वजन 450 से 600 किलो का होता है और अगर बात करें ब्राह्मिन सांड की तो यह तकरीबन 700 से 1000 किलो तक हो सकते है। इस प्रजाति की गाय पर एक कुबड़ बना होता है बिल्कुल एक ऊंट की तरह और इनकी त्वचा भी काफी ढीली ढीली होती है। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि यह अपने पेट पर बने कुबड़ में एक हफ्ते तक खाना पीना आराम से स्टोर कर सकते हैं और इसीलिए दक्षिण अमेरिका और खाड़ी देशों के किसान ब्राह्मिन सांड और ब्राह्मिन गाय को पालना पसंद करते हैं। इनके पालने की एक और सबसे बड़ी वजह यह है कि भारी से भारी गर्मी को सह लेते हैं और कीड़ों से तो इन्हें जरा सी भी परेशानी नहीं होती। अगले नंबर पर आता है लिमोयूजिन। दोस्तों हम हमेशा बॉडी बिल्डरों को देखकर चौंक जाते हैं, यार क्या बॉडी है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी किसी जानवर को बॉडी बिल्डर के रूप में इमेजिन किया है? अगर नहीं तो दोस्तों इमेजिन करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि लिमोजिन यह बुल किसी बॉडी बिल्डर से कम नहीं है और यह हकीकत में भी मौजूद है। लिमोजिन एक बहुत ही हट्टा कट्टा और तगड़ा बैल है और भाई इसकी ताकत के बारे में तो क्या ही कहा जाए, कमाल की ताकत है इसमें। पुराने जमाने में लिमोजिन को मुख्य रूप से
एक मसौदा जानवर के रूप में उपयोग किया जाता था, लेकिन आज मॉडर्न समय में ज्यादातर इन्हें बीफ के लिए पाला जाता है और पिछले 200 सालों में इनके बीफ की डिमांड काफी बढ़ चुकी है और इसका कारण है इनका टेस्ट जो कि काफी लाजवाब माना जाता है। एक लिमोजीन औसतन 140 से 155 सेंटीमीटर लंबा और 1000 से 1300 किलोग्राम वजनीय होता है और यह ज्यादातर फ्रांस में पाया जाता है। और अगर बात करें इनके स्वभाव की दोस्तों, अगर आपने इनके साथ कोई भी छेड़खानी की तो यह महंगा पड़ सकता है क्योंकि यह काफी ज्यादा आक्रामक होते हैं। अब अगले नंबर पर आता है साउथ डेवन। इस गाय को लोग जेंटल जायंट के नाम से भी पुकारते हैं और जानते हैं इस प्रजाति की गाय ज्यादातर इंग्लैंड में पाई जाती है और आपको बता दें कि यह प्रजाति इंग्लैंड की सबसे बड़ी कैटल ब्रीड है। इस भारी भरकम गाय का वजन 1600 किलो तक का होता है, मगर आपको बता दें इस प्रजाति के पाए गए एक साउथ डेवन का वजन 2000 किलो था जो कि दुनिया का सबसे भारी भरकम साउथ डेवन माना जाता है। यह जीव केवल अपने विशालकाय रूप के लिए ही नहीं बल्कि अपने काम करने की क्षमता के लिए भी जाना जाता है और लोग ज्यादातर इनका पालन इनके दूध और स्वादिष्ट मीट के लिए करते हैं। अब अगले नंबर पर आता है चियानिना और पर्शियन बुल। चियानिना बुल दुनिया का सबसे टॉलेस्ट और हेवीएस्ट बुल है। यह तकरीबन 1.8 मीटर लंबे और 1600 किलो वजनी होते हैं। चियानिना बुल एक ड्यूअल पर्पस यूज्ड बुल है क्योंकि यह मासूदा और मीट प्रोडक्शन दोनों ही कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यह दिखने में एकदम प्योर व्हाइट कलर के होते हैं और यह वर्क हाउस के नाम से भी जाने जाते हैं। चियानिना बुल ज्यादातर इटली में पाए जाते हैं, लेकिन अब इटली में यह बहुत कम दिखाई देते हैं क्योंकि इनकी जगह अब मशीनों ने ले ली है। ऐसा माना जाता है कि चियानिना बुल हमेशा पेयर यानी कि जोड़ी में काम करना पसंद करते हैं और इसीलिए आप हमेशा एक मेल और एक फीमेल चियानिना बुल को खेतों में जोड़ियों में काम करते हुए देखेंगे। दिखने में तो यह काफी आक्रामक लगते हैं, लेकिन असल में यह उतने आक्रामक होते नहीं है जितने ये दिखाई देते हैं। अब अगले नंबर पर आता है पैरथेनाइस। इस विशालकाय जीव का जन्म फ्रांस में हुआ था और इस जानवर को फ्रांस की सबसे पुरानी गाय की प्रजातियों में गिना जाता है। इस गाय के दूध का इस्तेमाल फ्रांस की बड़ी बड़ी डेयरियों में किया जाता है और इतना ही नहीं बल्कि फ्रांस के किसान इसको खेती के कामों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इस बुल का मीट भी बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है और साथ ही साथ इसके मीट में बहुत ही लो मात्रा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जो कि इसे और भी ज्यादा डिमांडिंग बनाता है और इसी वजह से इनमें प्रोडक्शन इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। यह सांड दुनिया के सबसे बड़े सांडों में से एक है और इनका वजन लगभग 1100 किलो तक का होता है। अब अगले नंबर पर आता है सीबी भागनारी। यह पाकिस्तान में पाए जाने वाले सभी बुल्स में से सबसे जबरदस्त बुल है। इस विशालकाय बुल का कद तकरीबन 7 फीट तक का होता है और यह 1000 किलो वजनीय होता है। इस प्रजाति के पीठ पर भी ऊंट की तरह ही एक कुबड़ बना होता है और इनके शरीर के बारे में बात करें तो इनकी गर्दन और सींग बहुत ही ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली होते हैं और इनकी छाती भी काफी चौड़ी होती है। इसका नाम सीबी भाग शहर से मिला है जो सीबी तथा नारी नदी के पास मौजूद है। हर वर्ष के मेले में इस प्रजाति को एक प्रदर्शनी के तौर पर पेश किया जाता है और लोग इसे देखने के लिए भारी मात्रा में वहां उपस्थित रहते हैं। अब अगले नंबर पर आता है फिटार्ड। फिटार्ड जिसे कि हेवीएस्ट बुल के नाम से भी जाना जाता है, वह एक सुपर साइज बुल है। इस बुल को जब तराजू पर तोला गया तो इसका वजन 1900 केजी पाया गया जो कि एक मांस प्रेमियों को 75,000 बर्गर बनाने के लिए काफी है। और आपको बता दें कि अपने इस वजन के वजह से ही यह बहुत ज्यादा चर्चित है और यह दुनिया का सबसे भारी बुल होने का टाइटल भी इसी के पास है, तभी तो हमेशा इसके नाम के आगे हेवीएस्ट बुल लगाया जाता है। इस सराहनीय बुल को 2016 में पेरिस में आयोजित इंटरनेशनल एग्रीकल्चर शो में तोला गया था और हर कोई उसके विशालकाय आकार को देखकर दंग रह गया था। इसके मालिक ने खुलासा किया कि फेटार्ड उत्तर पश्चिमी फ्रांस से
आने वाले मवेशियों की नस्ल मेन अंजू के थे। हालांकि आमतौर पर इस नस्ल के बुल 1500 किलो तक के होते हैं, लेकिन फेटार्ड का वजन इनसे कई ज्यादा है और इसीलिए यह इसे सबसे अलग बनाता है और यह एकदम बेजोड़ और ताकतवर बुल है। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको इन बैलों में से कौन सा बैल सबसे ज्यादा ताकतवर और विशालकाय लगा यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।